देश का मिजाज जानता है आज तक और देशवासियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाता है दस्तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना, आपका स्वागत करता हूं। अगर आज चुनाव हुए तो देश की जनता की दस्तक क्या है, किसके लिए है? क्या 19 महीने पहले प्रचंड बहुमत से आई मोदी सरकार पर कोरोना काल, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों के कारण जनता का मिजाज कुछ बदला है या फिर वो भरोसा कायम? सबसे पहले आज आपको इसी का एक अनुमान दिखाते हैं। अगर आज चुनाव हुए तो किसको कितने वोट मिल सकते हैं? इंडिया टुडे कामी इंसाइट का सर्वे कहता है कि एनडीए को 43% मत हासिल हो सकते हैं, यूपीए को 27% और अन्यों के खाते में 30% वोट यानी कि 30% वोट जा सकते हैं। और अगर आज चुनाव हुए तो सीटें किसको कितनी मिलेंगी, इसका भी एक अनुमान हम आपके सामने रखते हैं। इसके जवाब में सर्वे के मुताबिक जनता की दस्तक क्या कहती है? जनता की दस्तक साफ साफ तौर पर यह कहती है कि बीजेपी को 291 सीटें आज मिल सकती हैं अगर चुनाव हो जाते, यानी कि बहुमत अब भी मोदी सरकार के साथ। कांग्रेस को 51 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्यों के खाते में 201 सीटें जा सकती हैं। और अब तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर अभी जनता का मिजाज, आम लोगों की दस्तक क्या है? तो जवाब है 30% लोगों के मुताबिक बहुत अच्छा, 44% लोग प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को अच्छा मानते हैं, 17% लोग कहते हैं औसत, 6% खराब और 2% लोगों ने बहुत खराब कहा प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज। तो यह सर्वे देश का मिजाज बताता है। देश का मिजाज आपने देख लिया, अब इस मिजाज को बताने वाली जनता की खबरों के साथ आज की दस्तक की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने में बाधा बनकर 4 लाख घर, जी हां 4 लाख घर किसने गायब कर दिए। लेकिन उसके पहले बात कानून वापस कराने के लिए चला आंदोलन, जो अब भी ट्रैक्टर पीछे नहीं करने पर अड़ा हुआ है, क्योंकि कृषि कानून पर सरकार के प्रस्ताव और 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव के बाद भी अब तक टकराव जस का तस बना हुआ। आप 26 जनवरी को कुछ भी करेंगे, दिल्ली के अंदर आके आप परेड नहीं कर सकते, दिल्ली के बाहर तो संभव नहीं है। ऐसे ना जाते, ये किसान ऐसे ही कहां चला जाएगा? कोई बाधा ना आए, ये हमारा जो है एक कमिटमेंट है। संगरूर से सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली में 26 जनवरी की किसान परेड के लिए चल पड़े। बरनाला से ट्रैक्टर परेड के लिए किसान दिल्ली को रवाना हो चुके हैं। लुधियाना से किसान अपना अपना ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं। तरन तारण से ट्रैक्टरों का रेला आगे बढ़ रहा है। अमृतसर के किसान भी ट्रैक्टर पर सवार होकर आ रहे हैं। दावा है ऐसे 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में बिना गणतंत्र दिवस की परेड में व्यवधान डाले किसान भी अपना गणतंत्र प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो 26 जनवरी को क्या होगा? दिल्ली के नक्शे पर आंदोलन या ट्रैक्टर परेड के नक्शे कदम पर आगे बढ़ेगा या टकराव थमेगा? इसीलिए किसान संगठन और 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के पुलिस अधिकारियों ने तीसरी बार बातचीत की। क्या बात हुई? आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 3 प्रस्ताव रखे। पहला, किसान के MP एक्सप्रेसवे पर रैली निकाल लें, जैसे पहले भी निकाल चुके हैं, कोई जगह तय कर लें, कुछ किसान पहचान के साथ उसमें शामिल हो। और तीसरा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर परेड को रद्द कर दें। किसान दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर के साथ उतरना चाहते हैं। पुलिस के प्रस्ताव को अभी खारिज कर दिया। आप 26 जनवरी को कुछ भी करेंगे, दिल्ली के अंदर आके आप परेड नहीं कर सकते, और हमने स्पष्ट कर दिया है कि देश भर से जो किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को,
अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे। रिपब्लिक डे फंक्शन है जो कि एक नेशनल इवेंट है, इसको हम लोग जो है पूर्णतया सुचारू रूप से चलाएंगे और इसमें हमारा कोई बाधा ना आए, ये हमारा जो है एक कमिटमेंट है। इसी तरह सरकार की तरफ से कृषि कानूनों को 1.5 साल निलंबित करने के बहुत बड़े प्रस्ताव के बावजूद आंदोलन करते किसान पहली बार सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन पत्ते नहीं खोल रहे। सरकार थोड़ा सा कंसीडर करना शुरू किया है लगता है, तो जो प्रस्ताव दिया है कल वो 1.5 साल बंद रख के सुप्रीम कोर्ट में लिखित एविडेविट डाल के 1.5 साल के लिए बस चर्चा चालू रखना का। ऐसे ना जाते, ये किसान ऐसे ही कहाँ चला जाएगा, इसे निमटा के चला। तो अब सवाल ये कि जो किसान पंजाब से एक ट्रैक्टर के पीछे 3-3 ट्रैक्टर बांधकर डीजल का पैसा बचाते हुए परेड करने आ रहे हैं, जो किसान एक ट्रैक्टर पर 2 ट्रॉली में 2 और ट्रैक्टर लाद कर लिए चले आ रहे हैं, क्या ये दिल्ली में 26 जनवरी को चलेंगे? कानून वापसी के लिए शुरू किया गया आंदोलन अब ट्रैक्टर वापसी के मुद्दे पर आकर अटका हुआ है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। किसानों के आंदोलन के अहम मुद्दे पर भी हमने देश के मिजाज को परखा, जिसमें हमने पूछा कि किसानों का आंदोलन कैसे रुकेगा। 55% लोगों ने कहा कि कृषि कानूनों में सुधार होना चाहिए। 28% लोगों की राय है कि कानून वापस ले लिया जाना चाहिए, जबकि 10% लोगों का मानना है कि अब सरकार कुछ न करे। जनता का भरोसा तब कायम रहता है जब योजनाएं उस तक पहुंचती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश के गरीबों को पक्का घर मिले, इसीलिए 2016 में पीएम आवास योजना की शुरुआत की गई। इस बहुत अच्छी योजना के राजस्थान में 4 लाख घर कागज पर हैं, जमीन पर नहीं है। पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार और राजनीति के ईंट गारे से घरों को गायब करने वाले सिस्टम पर दस्तक देना इसलिए बहुत जरूरी हुआ। हमारे संवाददाता शरद कुमार की रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि हां, आज नहीं तो कल मेरा भी अपना घर हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के सपने को धुआं करने वाली राजनीति ने कैसे अपने खजाने का भगोना सेट करने के नाम पर नारायणी देवी जैसे लोगों को 4 साल बाद भी पक्के घर के अधिकार से दूर रखा, यह आज तक आपको दिखाने जा रहा है। घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाली घर देने की योजना में कैसे मिली भगत की लोरी गाकर 4 लाख गरीबों के घर गायब करके एक जरूरी स्कीम को जमीन पर लेटा दिया गया, यह आज तक दिखाने जा रहा है। अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है, उसे लगता है कि जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी ये घर रहेगा, मदद करने के लिए काम आएगा। लेकिन जो घर भारत के गरीब की मदद दूसरे राज्यों में कर रहे हैं वही राजस्थान में क्यों राजनीति के जाल में उलझाए जा रहे हैं? आज तक संवाददाता शरद कुमार के साथ आज की दस्तक में 3 कहानियां आपको पता चलने वाली हैं, जिन्हें दिल्ली से जयपुर तक सरकारी अधिकारियों को देखना जरूरी है। पहली कहानी, खाते में पीएम आवास योजना का पैसा आया लेकिन दावा है जमीन पर 4 लाख घर गायब है। दूसरी कहानी, घर बनाने के लिए अप्लाई किया लेकिन पैसे आने का आज तक इंतजार है। तीसरी कहानी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार की सियासत में लाखों गरीबों के घर फाइलों के पन्ने में अटका कर छोड़ दिए गए। देश के गांवों में जब पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं तब पता चला कि राजस्थान में सरकारी निगरानी ठीक से न होने के कारण 4 लाख घर गायब हो गए, यानी कागज पर बने, जमीन पर नहीं। राजस्थान में 13 लाख घरों के लिए पैसा दिया गया लेकिन दावा है 9 लाख घर ही मिल रहे हैं, 4 लाख घरों का अता पता नहीं। तो ये घर कहां गए, यही पता करने के लिए शरद कुमार जयपुर की फागी तहसील पहुंचते हैं। कुम्हारों की इस बस्ती में
जहां पीएम आवास योजना के घर का गेट होना चाहिए, एक कबाड़ की जाली खोली जा रही है। यहां फरीद का घर होना था, क्यों नहीं है, पैसा कहां गया, हमने पूछा। डिब्बे से कागज निकालते फरीद ने बैंक पासबुक दिखाई, ये बताती है 2017 में इन्हें पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा रुपए मिले, लेकिन घर तो कहीं दिख नहीं रहा, पैसे का क्या किया। जो पैसा घर बनाने को मिला उससे मोटरसाइकिल खरीद ली, मोटरसाइकिल को ढक कर रखते हैं। और फरीद जैसे दावा है कि सैकड़ों लोग पीएम आवास योजना का पैसा यूं ही खर्च करके अब भी झोपड़ियों में रहते हैं। 1,20,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मिले थे, लेकिन देख सकते हैं किन परिस्थितियों में ये रह रहे हैं, घर तो बना नहीं, पैसे खर्च हो गए। मोटरसाइकिल तो काम पे जाने के वास्ते लिए थे, गरीब आदमी। यही हाल यहाँ हकीम का मिला, 2 किश्त घर बनाने के लिए मिली, 78,000 रुपए में घर बनाना शुरू करने की जगह दूसरे कामों में खर्च कर दिए। बच्चे और परिवार आज भी झोपड़ी में रह गए। सरकार ने पैसे दिए मगर मकान बने नहीं, तो फिर मकान गए कहाँ। इसकी पड़ताल करते हुए हम फागी के कुम्हारे के मोहल्ले में आए, जहाँ पर लोगों को पैसे तो मिल गए हैं मगर इन्होंने अब तक मकान बनाया नहीं है। इनका कहना है कि सारे पैसे खर्च हो गए, अब सरकार फिर से देगी तभी मकान बनाएंगे। अकेले राजस्थान में दावा है इस तरह 4 लाख घर पीएम आवास योजना का पैसा पाने के बाद हवा में है। और अधिकारी कहते हैं, हमने पाबंद किया है अभी कि उसको नोटिस जारी करें, और 2-3 नोटिस जारी करके और तीसरे नोटिस पे फिर FIR की कार्रवाई की जाएगी। अब दस्तक देकर आपको ये सवाल पूछना जरूरी है, जब नियम के मुताबिक घर की पहली किस्त से तीसरी किस्त तक 7 स्टेज पर सरकारी निगरानी होती है, हर चरण में घर के निर्माण की फोटो अधिकारी को खींचनी होती है, घर का काम शुरू नहीं तो पैसा खाते में डाला ही नहीं जा सकता, तो गांव से लेकर जिले तक के अधिकारियों ने क्या मिली भगत करके पैसा खा लिया। शरद कुमार, जयपुर आज तक। हमारे संवाददाता को ये जानकारी मिली है कि ये सारे बदलाव 4 लाख घरों के भ्रष्टाचार को देखने के बाद किया गया, लेकिन सवाल यह कि करप्शन रोकना है तो अधिकारियों का निगरानी तंत्र सही करेंगे या फिर गरीबों को घर बनाने का पैसा देने के नाम पर तरसाएंगे, और अपना खजाना बचाने के लिए राजस्थान में जरूरतमंद लोग अच्छी योजना से दूर कर दिए जाएंगे। मिट्टी का साफ सुथरा घर टीवी पर देखने में अच्छा लगता है, गरीब इसी की जगह पक्का घर चाहता है, लेकिन राजस्थान की राजनीति ने आम आदमी के सपने से हाथ धो लिया। भुक्तभोगी हैं नारायण देवी जैसे लाखों लोग, जिन्होंने पीएम आवास योजना में घर पाने के लिए गरीबी का दूध चढ़ाया, बीपीएल कार्ड की चाय पत्ती दिखाई, सारे कागज पत्तर झोंक दिए जो जरूरी होते, लेकिन सिर्फ घर का पैसा देने के नाम पर टालने का धुआं सरकारी दफ्तरों से निकला। 4 साल लगी जो पीसा पास या 4 साल लगी, मतलब कौन है चोरा चोरी चापड़ी टोरे सब पर पानी में दसा बड़ा ठेठ भी चौधरी बढ़ जा जो डोली दे बोकरा चा अरकर बोकरा चा पानी मोड़ नकड़ जा बोकरा। ऐसे ही घर पाने के इंतजार में टीन शेड के नीचे बैठे मिले गंगाराम गुर्जर, जिन्हें 4 साल में आज तक पीएम आवास योजना का पैसा राज्य सरकार नहीं दिला पाई, परिवार इनका जरूर बड़ा हो गया। अभी तक हमारे कोई बजट नहीं मिल रहा है और ये स्थिति आपके सामने, जब बरसात होती है यहाँ पानी भर जाता है, पानी में से हम लोगों को गुजरना पड़ता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर सांप और कीड़े इनका भी डर रहता है। तो फिर क्या कारण है कि बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की लाख कोशिश के बावजूद राजस्थान में लोग घर का पैसा पाने के लिए परेशान, वजह संवाददाता शरद कुमार से सुनिए। सबका सपना घर हो अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही सोचकर प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी, लेकिन इसमें 40% हिस्सेदारी राज्य सरकार को भी देनी है और राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, लिहाजा 2016-17 में शुरू हुई योजना में अभी 18-19 और 19-20 के लिए चयन की प्रक्रिया भी नहीं शुरू हुई है। राज्य सरकार की तरफ से आवेदन की लिस्ट केंद्र को भेजी जाती है, इसके बाद केंद्र अपने हिस्से का 60% पैसा आवेदकों के खाते में डालता है। दावा है कि नवंबर 2020 से ही गहलोत सरकार ने अपने हिस्से का पैसा देना बंद कर दिया है, तो आगे की लिस्ट क्या भेजते।
इसीलिए आम आदमी के हक के घर का आवेदन राजस्थान की राजनीति में बस फाइलों का पेट भर रहा है और जरूरतमंद के सपने अब भी खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। शरद कुमार, जयपुर आज तक। आप दर्शकों की दस्तक से ही हम सिस्टम को जगाते हैं। उत्तर प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के घर का पैसा खाने वाले भ्रष्टाचारियों पर आज तक की खबर का असर हुआ। भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ जांच के लिए FIR दर्ज कर ली गई। आज तक की दस्तक से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई। दस्तक ने खबर दिखाई, 24 घंटे में कार्रवाई। पैसे आए लेकिन पैसे कहाँ गए ये पता नहीं चला। जुर्री के खाता से पैसा आंच लिया गया है। हमारे नाम के पैसे आए, हमको पैसा मिला नहीं। खाता से आते दूसरे का बदल नहीं है। अका हो गया हमारा पैसा आ गया तो दूसरी जगह तबादला करके निकलवा लेंगे। 18 परिवार जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिलना था वो नहीं मिल पाए। सरकारी योजनाओं का किस तरीके आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने दिखाया था गरीबों को घर देने वाली देश की एक जरूरी स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भ्रष्टाचारी अपने खाते में कैसे डकार ले रहे हैं। मिला आपको? नहीं मिला, 17 साल। खबर दिखाने के बाद हमीरपुर के छिमौली गांव में पनपते भ्रष्टाचार के गृह प्रवेश पर अधिकारियों की नींद टूटी। पीड़ितों को अपना पैसा वापस मिलने और पक्का घर बनने की उम्मीद जगी, क्योंकि 24 घंटे के भीतर ग्राम प्रधान, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और लेखाकार के खिलाफ प्रशासन ने FIR दर्ज करा दी। मैं आज तक को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया, इसके बाद कार्रवाई हुई, सचिव और प्रधान ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज हुई। निया हो गया, जो कॉलोनी का पैसा था वापसी हो गया, उनके पास FIR हो गई। उम्मीद है कि हमारा मकान बन जाएगा। हमने आपसे पहले ही वादा कर दिया है, खबर के अंजाम तक पहुंचे बिना हम दस्तक देना नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए जिन मीडिया देवी के घर का पैसा भ्रष्टाचारी खा गए, हम दोबारा उन तक पहुंचे और पूछा कि आज तक की दस्तक के बाद अब इंसाफ की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि हमारे कॉलोनी वापस हो जाएंगे और जो कार्रवाई किया है तो उम्मीद है कि हमें कॉलोनी मिल जाएगी। जब तक गरीब को उसके हक का पक्का घर नहीं मिल जाता, हमारे संवाददाता आगे भी इस खबर पर पूरी नजर रखेंगे। आप आज तक देखते रहिए। नाई दंसारी के साथ कुमार अभिषेक, हमीरपुर आज तक। और अब दस्तक अपराध के खिलाफ यूपी सरकार के कानूनी भूकंप की। हमारी ये बात सुनकर आपको लगा होगा कि अपराध के खिलाफ भूकंप कैसा होता है। आज इसे टीवी पर देखिए, महसूस कीजिए, क्योंकि इस अपराध विरोधी भूकंप की उत्तर प्रदेश में तीव्रता अब तक 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। बड़े से बड़े माफिया डॉन के खिलाफ जारी ये उत्तर प्रदेश में कानून का भूकंप है। ऐसा भूकंप जो अपराधियों की आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक ताकत को ध्वस्त कर दे रहा है। ये धूल, ये गुबार उत्तर प्रदेश के मेरठ में माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो की कोठी के जमींदोज होने के बाद उठा। जहां अब तक कानून को घर की खेती समझने वाले माफिया डॉन की हवेली में प्रशासन ने इतने हथौड़े मारे कि बदन सिंह बद्दो की तरह बनने की सोचने वालों के दिमाग दुरुस्त हो जाएं। आगे बढ़े उससे पहले दो तस्वीरें देखिए, कैसी थी अपराधी की करोड़ों की अवैध कोठी और कैसे 2 घंटे में कानून के बुलडोजर से गिरा दी गई, और कौन था ये डॉन, जरा सुनिए SSP साहब से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माफिया बदन सिंह बद्दो है, जिसे आज उन कारावास के माननीय न्यायालय द्वारा सजा है, और ये फरुखाबाद पुलिस से पेशी के समय फरार हो गया था कस्टडी से। इस क्रम में मेरठ पुलिस ने जो मुकदमा पंजीकृत किया था उसमें अभी पिछले महीने इस बिल्डिंग में 83 के तहत कुड़की की कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। उसके बाद एक अपील पड़ी जिसमें ये निकलकर सामने आया कि यहां पर इसने अपने बाहुबल और रसूख से एक बिल्डिंग बना रखी थी जो कि पूरी तरह से अवैध थी।
उस्मान चौधरी, मेरठ आज तक। वो होता है जो चुनौती के वक्त टीम को जीत दिलाता है। कोरोना महामारी के खिलाफ हो रहा मुकाबला सबसे अहम दौर में है। स्वास्थ्य कर्मियों को देश भर में टीका लग रहा है, लेकिन राज्य सरकारों का कहना है कि हेल्थ वर्कर्स में उत्साह गायब है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य अपने टीकाकरण के टारगेट से पीछे चल रहे हैं। इसी मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो रही है। खबर है कि दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टीका लगवा सकते हैं। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट, जिसकी इमारतों से धुआं निकलता देख आज सारा देश एक पल के लिए डर गया। सब जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है, इसीलिए सभी ने सोचा कि अब वैक्सीन का क्या होगा। लेकिन लोगों की आंखों ने जो देखा और समझा वो पूरा सच नहीं था, क्योंकि जिस सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी वहाँ वैक्सीन नहीं बन रही थी। वैक्सीन बनाने वाली इमारत हादसे की जगह से 1.5 किलोमीटर दूर थी। भारत की वैक्सीन के साथ भी यही हो रहा है। तथ्यों के सामने होते हुए भी सभी ने अपनी अपनी राय बना ली है, जो हकीकत से उतनी ही दूर है जितनी पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट की नई और पुरानी इमारत। देश में नौबत ये आ चुकी है कि कोरोना को हराने वाले हेल्थ वर्कर भी शंका से भरे हुए हैं। एक्चुअली मेरे कुछ डाउट्स हैं। मैंने काफी लोगों के मुंह से सुना जब वैक्सीन स्टार्ट हुई कि जिनको इन्फेक्शन है वो लोग ना लगवाएं इसको, किसी तरीके की इंजीनियरिंग, तो मेरी क्वेश्चन यही था। वैक्सीन को भ्रम के धुएं से निकालने के लिए, इसे लेकर हर किसी में भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद सामने आने वाले हैं। टीके के पक्ष में विश्वास मत रखने वाले हैं। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवी का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं, और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है, अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा भी ना फॉरवर्ड न करें। आज तक को जानकारी मिली है कि वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वैक्सीन लगवाएंगे। 50 साल से ऊपर वाले सांसदों और विधायकों को भी टीका लगाया जाएगा। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। अभी तक 8 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। ये सिलसिला अगले 2-3 महीने तक चलेगा, यानी अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगवाते हुए देश देख पाएगा। देश का वो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उसे दूसरे चरण में वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और विपक्ष के वो सभी नेता जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उनको भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। पीएम मोदी से पहले कई विदेशी नेता वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री को पहले टीका लगवाने के लिए कह रही थी। कोरोना के टीके, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर कई शंकाएं पैदा होंगी, तो स्वाभाविक तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है, हम इसमें उन्हें कोई चुनौती नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस की इस मांग को बीजेपी ने हमेशा ये कहकर खारिज कर दिया कि सरकार के लिए देश पहले और व्यक्ति बाद में है। पेंडेमिक और वैक्सीनाइजेशन, ये दोनों ही राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से नॉन इश्यू पर राजनीति करने की हमारे विपक्षी मित्रों की आदत बन गई, और विशेष रूप से कांग्रेस के लोगों की।
अब जब वैक्सीन सबको लगेगी, मैं तो एक भी बात कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की परंपरा है कि जो कुछ भी लाभ हो, जो कुछ भी लाभकारी हो, जो कुछ भी सबसे पहले आविष्कृत हो, उस पर पहला अधिकार जो है वो हम नेताओं का है। ये कांग्रेस की परंपरा, ये परंपरा टूट गई, ये परंपरा टूटी है भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की परंपरा है कि देश पहले, समाज बाद में, और उसके बाद में पार्टी और उसके बाद में हम। मुझे लगता है हम उसी पैथ को इसमें भी फॉलो करें। 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया कि मेड इन इंडिया वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है। सीधे प्रधानमंत्री से भरोसा मिलने के बाद सभी को लगा कि वैक्सीन अभियान तेजी से चलेगा। पहले कोरोना वॉरियर्स को टीका लगने से उम्मीद जगी कि टीके को लेकर जागरूकता का स्तर ऊंचा होगा, लेकिन आंकड़ों ने निराश कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को 6 दिन बीत चुके हैं और अभी तक 9 लाख के करीब हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लग पाई है, जबकि 16 जनवरी को ही देश भर में 2 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए थे। यानी रफ्तार काफी कम है, जबकि एक ताज़ा रिसर्च कहती है कि जून तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगवाने के लिए सरकार को 13 लाख टीके रोज लगाने होंगे। शाम के 6 बजे तक का हाइलाइट्स ये है कि सारे देश में 9,99,065 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन किया जा चुका है और इसके लिए 18,159 सत्र आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैदान में उतरने का ऐलान बताता है कि कोरोना के खिलाफ मैच में टीम इंडिया को अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी की जरूरत है। सरकार को लगता है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी वैक्सीन को लेकर भ्रम के धुएं को हटाने में काफी मददगार साबित होगी। आज तक ब्यूरो। जिन कोरोना वॉरियर्स ने महामारी के खिलाफ सबसे आगे रहकर लड़ाई लड़ी, उनमें उत्साह क्यों नहीं, ये जानने के लिए हमने देश की राजधानी दिल्ली में पड़ताल की, जहां हेल्थ वर्कर कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद टीका लगवाने नहीं आ रहे। इस वैक्सीन के कहीं ना कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। मैंने काफी लोगों के मुंह से सुना जब वैक्सीन स्टार्ट हुई कि जिनको इन्फेक्शन है वो लोग ना लगवाएं इसको। ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव। ये वैक्सीन साइंटिफिकली डिस्कवर्ड वैक्सीन है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च एंड साइंस, एंड इसमें किसी तरह की कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल और जवाब का सिलसिला महीनों से चल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका नतीजा क्या निकला? इस सवाल का जवाब आपको दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट देगा, जहां पर कोरोना वैक्सीन के डर को दूर करने के लिए काउंसलिंग की जा रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों को काउंसलिंग दी जा रही है वो आम लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना से तब सीधी जंग लड़ी जब सारी दुनिया इस महामारी से बचने के लिए घरों में कैद थी, लेकिन कोरोना की वैक्सीन को लेकर इन लोगों के मन में भी सवालों ने घर कर लिया है। सबसे पहले आप मोना से मिलिए, जो वैक्सीन लगवाने को तो तैयार है लेकिन उसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। तो मेरी क्वेश्चन यही था कि अगर आपको बॉडी में किसी भी तरीके की इंजरी हुई हो, फॉर एग्जांपल स्पाइन इंजरी, तो क्या वो सेफ है या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन था पूछने के लिए, तो वही मैं जानना चाहती हूँ सर से। दिल्ली में 81 वैक्सीनेशन साइट पर रोजाना लगभग 8100 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन शुरुआती 3 दिनों के आंकड़े ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में पहले दिन 16 जनवरी को 4,319, दूसरे दिन 18 जनवरी को 3,598 और तीसरे दिन 19 जनवरी को 4,936 हेल्थ केयर वर्कर्स ने टीका लगवाया। इस तरह दिल्ली में पहले 3 दिन में 26,378 लोगों की जगह सिर्फ 12,885 लोगों को ही टीका लग पाया। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 700 हेल्थ वर्कर्स कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पूरे अस्पताल में टीके को लेकर जागरूकता के पोस्टर चिपके हुए हैं, फिर भी पहले 3 दिनों में सिर्फ 86 लोग ही वैक्सीन लगवाने आए हैं। इसकी वजह वैक्सीन को लेकर संदेह बताया जा रहा है। सरकार का ये कहना कि ये वैक्सीन 100% सेफ है, इसके लिए सरकार को रिटर्न में कंसेंट देना चाहिए, उसके साथ साथ कि जब वैक्सीन लगवाने वाले भी अपना कंसेंट देते हैं कि वो वैक्सीन अपनी मर्जी से लगवा रहे हैं और उनके उसके बारे में सब कुछ की जानकारी है। ऐसा करने से वैक्सीन लगवाने वालों का मनोबल बढ़ेगा।
देखिए मैं मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन एज अ वर्ड जो हिंदुस्तान में ना कभी बहुत ज्यादा ये पेनिट्रेट नहीं कर पाया था। पहली बार एक एडल्ट वैक्सीनेशन का सिस्टम इंडिया में आया है जिसको लेकर लोगों को अप्रिहेंशन है, और जो बेसिक सवाल अभी भी वही दोनों है, सेफ्टी को लेकर सब मेजर कंसर्न है और एफिकेसी को लेकर भी कंसर्न है। दिल्ली में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार एक नए प्लान के साथ आई है जिसके मुताबिक अब कोई भी ऐसा स्वास्थ्य कर्मी जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है किसी भी दिन अपनी सुविधा से टीका लगवा सकता है। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। दिल्ली में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार एक नए प्लान के साथ आई है जिसके मुताबिक अब कोई भी ऐसा स्वास्थ्य कर्मी जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है किसी भी दिन अपनी सुविधा से टीका लगवा सकता है। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। केंद्र के तमाम आश्वासन के बावजूद दिल्ली की तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टीकाकरण की धीमी रफ्तार से परेशान हैं। राजस्थान में पहले चरण में 8,833 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगवाए गए जबकि लक्ष्य 16,092 लोगों का था, यानी सिर्फ 55% टारगेट पूरा हो पाया। जबकि 16 जनवरी को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कर्मियों में उत्साह की बात कर रहे थे। अभी आपने देखा बहुत उत्साह था, प्रिंसिपल SMH कॉलेज उन्होंने खुद ने वैक्सीन लगवाई। 93 ओल्ड रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर डंडिया जी ने वैक्सीन लगाई। पूरे प्रदेश भर में हमने बातचीत करी, बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर। टीकाकरण में फिसड्डी रहने वालों में पंजाब का भी नंबर, जहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम टारगेट से पीछे चल रहा है। पंजाब में पहले दिन 5,853 हेल्थ वर्कर्स में से 1,327 हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन लगवाई तो दूसरे दिन 6,021 में से सिर्फ 1,993 हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन लगवाने सामने आए। पंजाब में टीकाकरण के पिछड़ने के लिए स्थानीय प्रशासन वैक्सीन को लेकर अविश्वास और कोविन ऐप को लेकर आ रही समस्याओं को सबसे बड़ा कारण मानता है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने के बाद टीके को लेकर संदेह कम होगा और दुनिया सबसे बड़े और कामयाब टीकाकरण अभियान की गवाह बनेगी।